नमस्कार, आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश नवरात्रि पूजन में। दर्शकों, आज पहला नवरात्रा है। आज से 9 दिनों तक घर घर में माता की पूजा होती है और पहले नवरात्रे के दिन पूजा होती है माँ शैलपुत्री जी की। तो शैलपुत्री माता का क्या स्वरूप है, क्या रंग इनको पसंद है, किस चीज़ का इनको भोग लगाया जाता है, किस तरह ये हमारी मनोकामना पूर्ण करती है, इन सभी हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित आशुतोष जी दादीज जी। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप आए। तो पंडित जी, आज शैलपुत्री माता जी का पूजन होता है, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि माता का स्वरूप क्या है? सर्वप्रथम तो मैं एसटीएन के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में नव संवत्सर की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये नव संवत्सर आपके सभी दर्शकों को, हम सभी हाड़ौती वासियों के लिए बहुत शुभ रहे, हर क्षेत्र में हमारी उन्नति हो, इसके लिए मैं भगवती मातेश्वरी से कामना करता हूँ। तो पंडित जी, शुभकामनाएं हो गई। अब माता शैलपुत्री का आज पूजन होगा घर घर, तो स्वरूप क्या है माता शैलपुत्री का? वंदे लाभार्थाय चंद्रार्क कर शेखरम वृषारूढ़ाम शूल हस्ताम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जैसा कि नाम से ही एक अपने आप में स्पष्ट हो जाता है, शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज की पुत्री। पर्वतराज की पुत्री शैलपुत्री जो है वो देवी का प्रथम स्वरूप है जी। और ये माता जो सती थी उनका पुनर्जन्म है। माता सती का पुनर्जन्म इस वजह से है कि माता सती जो है वो दक्षराज की पुत्री थी जी। और दक्षराज की पुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ जी। दक्षराज ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जी। और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सबको उचित आसन दिया और सभी की उचित आहुतियाँ दी, परंतु उसमें भगवान शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया जी। आमंत्रित नहीं करने के बावजूद भी एक स्वाभाविक जिज्ञासा जो एक पुत्री के मन में रहती है कि मेरे पिता ने इतना बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया है तो मुझे उसमें सम्मिलित होना चाहिए जी। इस भावना के साथ माता सती प्रभु शिव शंकर के पास गई और उनसे आज्ञा मांगी कि मेरे पिता इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस यज्ञ में शामिल हूँ जी। भगवान शिव शंकर ने कहा कि एक सामान्य मर्यादा के तहत मेरा ऐसा मानना है कि चाहे अपना परिवार ही हो, चाहे अपना कितना ही निकटतम हो, पर वहाँ अगर हमको सम्मान पूर्वक आमंत्रित नहीं किया जाए तो हमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी माता सती ने पुनः भगवान शिव शंकर से अनुनय किया और भगवान शिव शंकर ने कहा कि यदि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा ही है तो तुम प्रस्थान कर सकती हो जी। भगवान शिव शंकर से इस प्रकार की आज्ञा मिलने के बाद माता सती दक्षराज के यहाँ गई। जब वहाँ पहुँची तो चूंकि वो आमंत्रित नहीं थी तो दक्षराज ने, उनकी पुत्रियों ने, वहाँ उपस्थित और जितने भी देवतागण थे उन्होंने किसी ने भी उनको यथोचित जो है सम्मान प्रदान नहीं किया जी। और सिर्फ एक उनकी माता जो थी वही उनसे प्रेम से मिली। वह फिर भी उस पूरे अपमान को बर्दाश्त करते हुए उस यज्ञ में रुकी और उस यज्ञ में रुकने के बाद जब उन्होंने देखा कि सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जा रही है, सभी देवताओं को एक सम्मान पूर्वक स्थान दिया जा रहा है, पर मेरे पति जो शिव शंकर हैं, जो एक सृष्टि के कर्ता हैं, संहार कारक हैं, सभी कुछ हैं और जिन्होंने देवताओं को बचाने के लिए विष का भी पान किया, ऐसे शिव शंकर को यहाँ पर कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा और किसी भी तरह का उनको यज्ञ में आहुति नहीं दी जा रही। इस तरह का अपमान जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और चूंकि शिव शंकर की उसमें पहले ही, भगवान भोलेनाथ की उसमें पहले ही ये एक आज्ञा थी कि भाई जहाँ में नहीं बुलाया गया वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो इस वजह से वापस भी उन्होंने जाना शिव शंकर के पास उचित नहीं समझा और अपने अंदर योग अग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें समाहित हो गई जी। जब ये समाचार भगवान शिव शंकर के पास पहुँचे तो अत्यधिक क्रोधित हुए और उस योग अग्नि से उन्होंने भगवती सती की देह को वापस अपने साथ लिया और बड़ा भीषण उपद्रव उस यज्ञ के अंदर हुआ। भगवान शिव के गणों ने सभी देवताओं को त्रासदी पहुंचाई और वहां से सब भाग गए, यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस हो गया जी। परंतु भगवान शिव शंकर के मन में माता सती के प्रति जो भाव था जी, उसको देखते हुए पुनः
माता सती ने शैलराज, जिनको हिमालय भी कहते हैं, उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। और इस वजह से, चूंकि शैल के घर में, पर्वतराज के घर में उनका जन्म हुआ, इस वजह से उनको शैल पुत्री कहा जाने लगा। और शैल पुत्री के रूप में, जिनका दूसरा नाम माँ पार्वती भी है, उस रूप में उन्होंने पुनः शिव शंकर को प्राप्त किया। जी पंडित जी, तो पंडित जी ने हमें बताया है कि शैल पुत्री माता का नाम कैसे पड़ा। तो पंडित जी, माता किस रंग के वस्त्र पहनती है, क्या इनको पसंद है, किस तरह का इनको भोग लगाया जाता है? जैसा कि नाम से ही सुस्पष्ट है, शैल जी और शैल की पुत्री हैं, तो चूंकि शैल से ही स्पष्ट हो जाता है, हिमालय सिक्का जब अपन एक चित्रण अपने मस्तिष्क में आज भी करते हैं तो चारों तरफ बर्फ बर्फ और सफेदी ही दिखती है। उस ही तरह से जो है माँ शैल पुत्री का भी जो वस्त्राभूषण है जो है वो सफेद रंग के हैं। और इनको जो है विशेष रूप से सफेद चीजों का ही भोग लगाया जाता है, और उसमें भी विशेष रूप से अगर गाय के घी से, गाय के दूध से निर्मित पदार्थों का अगर भोग लगाया जाए, जैसे खीर है, घी से निर्मित हलवा है, उनका भोग लगाया जाए तो माँ शीघ्र प्रसन्न होती। तो पंडित जी, आज के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, विधि विधान क्या होता है? ये प्रथम नवरात्र है जी, और जैसा कि आप जानते हैं कि देवी के 9 स्वरूप हैं जी, उनमें प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। एक तरह से जिस तरह से देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश हैं, उसी तरह से हम ये मान के चले कि नव दुर्गाओं में प्रथम पूज्य शैलपुत्री है। उसी से इनकी अथाह शक्ति और अपार शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। और इनका जो पूजन है शैलपुत्री माँ का, वो विशेष रूप से जो है, वैसे भी नवरात्रा में जो पूजन है वो रात्रि में ही करना चाहिए। रात्रि में पूजन करने के दो कारण है, एक आध्यात्मिक और दूसरा साइंटिफिकली हम देखें तो जो डिस्टर्बेंसेज आपको दिन में हैं वो रात्रि में नहीं होते हैं। और एक जो रात्रि में, आप इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझें, आपने दिन में अपना रेडियो सेट ऑन कर रखा है जी, उसमें जितने डिस्टर्बेंसेज आएंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी में जितने व्यवधान आएंगे, आप देखेंगे रात में उतना ही आसान रहेगा और उतना ही सुनने में वो आनंददायक रहेगा। इसी तरह से जब आप रात में एक ध्यान लगाते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, तो आपका चित्त शांत रहता है, चारों तरफ का वातावरण जो है आपको प्रेरित करता है भगवती की आराधना के लिए, और उसमें जो है आप जब भी कोई जप या साधना करते हैं तो वो अत्यधिक फलदायी होती है जी। तो विधि विधान ने बताया है कि माता सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने होती है और सफ़ेद ही हमें भोग लगाना चाहिए। तो जैसे कि माता का आज पूजन है, तो विवाहित अविवाहित महिला पुरुष सबको एक तरह से पूजन करना चाहिए या फिर कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं सबके लिए? विवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए तो इसमें नवरात्रि में एक ही तरीका है, पर जो कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करना चाहती हैं उनको माँ शैलपुत्री की आराधना करके और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने प्रार्थना करके भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया, उसी तरह से माँ शैलपुत्री की कृपा से उन्हें भी एक सुयोग्य और प्रतिष्ठित वर की प्राप्ति हो जी। तो माता रानी किस तरह से हमारी मनोकामना पूर्ण करती है? जैसा कि एक उनके नाम से ही स्पष्ट है कि वो एक जगत जननी है, जगदम्बा है, और आज के वर्तमान स्वरूप में भी अगर आप किसी भी तरह से तकलीफ में हैं तो सबसे पहले आप जिसे अप्रोच करेंगे वो आपकी माँ ही होती है जी। तो इसी तरह से ये जगत जननी है, अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी है, कोई भी अगर आपको कष्ट है, तो आप उनकी मन से आराधना करें। और विशेष रूप से जो शैलपुत्री माँ का है वो शम शैलपुत्रीय नमः, इस मंत्र के जाप जितनी संख्या में रात्रि में कर सकते हैं। तो रात्रि का मतलब संध्या काल के बाद, मतलब जैसे पहला नवरात्र आज है तो आज शाम को ठीक है पंडित जी, अपन संध्या काल के बाद इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त अनुसार जब भी जो उचित चौघड़ी आ रहे हैं उसके अनुसार इस कार्य को अपन प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर इसमें निरंतरता रखनी चाहिए, 9 दिन तक इस जप को करें और उससे जो है हमको अपने अभिष्ट की प्राप्ति जरूर होगी। तो पंडित जी, शैलपुत्री माता हमें देखने में कितनी इनकी भुजा होती है, आप उनका स्पष्टीकरण जरा स्पष्ट रूप से कीजिएगा। माँ शैलपुत्री का जैसे मैंने श्लोक में जो उच्चारण किया वृषभारूढ़ा, हाँ जी, तो वृषभारूढ़ा का मतलब जो है माँ शैलपुत्री की जो सवारी है वो वृष है और शंकर जी के समान ही, क्योंकि जैसे माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है शैलपुत्री, तो जो शंकर जी का वाहन है वही माँ शैलपुत्री का वाहन है, वृषभारूढ़ाई इनको इसलिए कहा जाता है। और इनके जो दाहिने हाथ में है वो त्रिशूल है
और बाहिने हाथ में जो है ये सदैव कमल के पुष्प को धारण किए रहती हैं। जी, मतलब दो भुजा होती है माता, दो भुजाएं मातेश्वरी की है, जिसमें दाहिनी भुजा में सदैव त्रिशूल को धारण किए रखती है और बाहिनी भुजा में इनके सदैव कमल का पुष्प रहता है। पंडित जी, ये जैसे सब लोग उपवास रखते हैं तो उपवास में लोगों की भ्रांतियां बड़ी हैं, उपवास हैं बुराइयां करते रहते हैं, तो आप दर्शकों को हमारे बताएं कि उपवास किस तरह से रखा जाता है। उपवास का तन और मन का भी होना चाहिए ना उपवास। उपवास को हम लोग जो है बहुत एक सामान्य शब्द के रूप में देखते हैं। उपवास का मतलब ये होता है हर चीजों का उपवास जी। मतलब हर चीजों से हमको, हर प्रकार की अशुद्धि से हमको अपने आप को समय दूर रखना है, जब जाके हमारा उपवास हम उसको पूर्ण कह सकते हैं जी। इसमें हमारी विचारिक अशुद्धि है, इसमें हमारी जो बातचीत में जो हमारा तरीका है उसकी अशुद्धि है, जो हमारा एक बर्ताव लोगों के साथ है उस तरह की, उसमें अशुद्धि है, और एक हमारे जो कर्म है उसकी अशुद्धि है। अगर अब इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे ये जो व्रत उपवास हैं कि हमने सोचा कि एक टाइम हम अन्न भक्षण नहीं करेंगे या सिर्फ अन्न का उपवास रखना लोगों के लिए आसान है, बहुत अन्न का उपवास रख लेते हैं, वो ये नहीं देखते हम क्या कर्म कर रहे हैं। यही मैं आपसे निवेदन करने जा रहा था कि भले ही हम अन्न का उपवास कर लें, अन्न भक्षण करना छोड़ दें और हम ये कहें कि साहब मैं 9 दिन फलाहारी करूंगा, किसी तरह का अन्न भक्षण नहीं करूंगा मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए, तो ये सब तब तक जाकर सफल नहीं है जब तक कि हमारी विचारिक शुद्धि नहीं रहेगी, जब तक हमारी मन स्थिति शुद्ध नहीं है जी। क्योंकि पात्र को देखकर ही देवी माँ प्रसन्न होती है, मन साफ होगा तभी भगवान उसमें विराजेंगे। तो दर्शकों, पंडित जी के साथ हमारी चर्चा अभी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ आज प्रथम नवरात्रि के दिन स्टूडियो में मौजूद है पंडित आशुतोष दाधी जी। तो पंडित जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न अभी जहन में आया है, आज प्रथम नवरात्र है, क्या प्रथम नवरात्र का कोई और, जैसे शैल पुत्री माता की इस दिन पूजा होती है, तो क्या कोई और तथ्य भी जुड़ा हुआ है प्रथम नवरात्रि के दिन, कोई और नाम या कुछ और? प्रथम नवरात्र को जो है जनरली आरोग्य प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन नव भक्षण भी प्रारंभ होता है, मतलब जो नया अन्न पैदा हुआ है किसानों के खेत में उसका आज ही से जो है भक्षण के योग्य उसको माना जाता है। और आरोग्य प्रतिपदा इसलिए है कि इस दिन से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं और भगवती की अगर आप निष्ठा पूर्वक सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके परिवार में आरोग्यता, समृद्धि और शांति, इन सब का जो है एक तरह से समायोजन बना रहता है जी। तो पंडित जी, जैसे शैलपुत्री माता की पूजा करने से, जैसे इनके नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि दृढ़ता, तो शैलपुत्री माता की पूजा करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, एक विद्यार्थी के जीवन में आज के दिन की पूजा का क्या महत्व है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है शैलपुत्री, शैल ही अपने आप में एक दृढ़ता और स्थिरता के प्रतीक है, उनकी पुत्री है तो आप जब इनकी आराधना करते हैं तो आपको भी एक वैचारिक दृढ़ता मिलती है। छात्रों को विशेष रूप से इनकी जो है प्रार्थना और पूजन करनी चाहिए, जितना समय वो अपनी अध्ययन में से दे सकते हैं उतना जरूर अवश्य रूप से इनकी पूजा में देना चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा से उनको जो है एक विचारों की स्थिरता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जो विचारों में दृढ़ता चाहिए उसकी निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। तो पंडित जी, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, आज शैलपुत्री माता का पूजन है, कल दूसरी माता, 9 दिन तक अलग अलग माताओं का पूजन होता है, तो क्या कोई एक मंत्र आप हमारे दर्शकों को ऐसा बता दें जो छोटा हो, आसान हो याद करना और 9 दिनों तक हम उसका जाप कर सके, और कितनी बार उसका जाप करना चाहिए हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए? अगर आप शैलपुत्री की ही सिर्फ आराधना करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, उनके लिए एक सबसे आसान और सरल जो मंत्र है वो है ओम शम शैलपुत्रिये नमः। इनके कम से कम 108 जप आपको नित्य प्रति करने चाहिए और सामान्य नवरात्रा में अगर आप कोई भी मंत्र लेना चाहें तो भगवती के किसी भी स्वरूप का ध्यान करके उसका मंत्र अपन ले सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, क्योंकि जब भी आप भगवती का एक चित्रण करते हैं तो भगवती एक शक्ति की स्वरूपा के रूप में ही
जो है चित्रित की गई है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, सब जगह जहां भी भगवती का चित्रण हुआ है। और ये यथार्थ भी है कि भगवती का जो एक प्रादुर्भाव हुआ है वो ही एक शक्ति के रूप में हुआ है, क्योंकि जब भगवान शिव ने महिषासुर को वरदान दिया और महिषासुर भगवान शिव के अमोघ वरदान से महिषासुर इतने प्रभावी हो गए कि उन्होंने देवताओं में मारकाट मचा दी और इंद्र को भी अपना आसन छोड़ना पड़ा। नर तो उनको मार नहीं सकते, नर उनको मार नहीं सकते थे, देवता उनको मार नहीं सकते थे, असुर उनको मार नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में नारी बचती एक है। नारी बस को ही उनका का संहार करना जी, था जी। तो भगवान विष्णु ने जो है तीनों देवियों से प्रार्थना करी, भगवती माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से, और उन्होंने जब अपना तीनों ने अंश दिया, उन तीनों के अंश से जो है भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, अपने आप में माँ लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती खुद ही अपने आप में एक शक्ति की प्रतीक है, और जब उन तीनों का समायोजित रूप जब एक प्रकट हुआ है तो वो कितना शक्तिशाली होगा। दूसरा जो नवरात्रा में विशेष रूप से शैलपुत्री के की जो अपन आराधना करें, शैलपुत्री की आराधना जैसा मैंने आपको पहले बताया प्रारंभ में कि जैसे देवों में गणपति की प्रथम पूज्य है, वैसे ही प्रथम नवरात्रा में शैलपुत्री की पूजन है, इसलिए इनका अपने आप एक विशेष महत्व बन जाता है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि इस दिन जो है, इस दिन से ही जो योगिक क्रियाएं हैं उनको प्रभावी रूप से जो है योग साधना जो है उसको प्रभावी रूप से प्रारंभ किया जाता है, और जो हमारे योगी हुए हैं, जो संत हुए हैं, वो इसी दिन से अपनी योगिक शक्तियों को जागृत करते थे, और मूलाधार भी इनको कहा जाता है, तो यहाँ से मूलाधार जागृत होता था। और ये नवरात्रा का जो समय है, इस समय जो है सभी शक्तियाँ जो है असुरी भी और देवी भी दोनों जागृत रहती है। इस समय आप तांत्रिक क्रियाएं अगर करते हैं तो आप असुरी शक्तियों को प्रभावित करते हैं, और अगर आप देवी क्रिया करते हैं तो देवी शक्तियों को प्रभावित करते हैं, और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा आप बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। जी पंडित जी, पंडित जी हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते हैं, उनके लिए क्या उपाय हैं कि माता भी प्रसन्न हो जाए और व्रत भी हो जाए? कोई कहता है कि एक शुरू का नवरात्र रख सकते हैं, बाद का रख सकते हैं, क्या उपाय है उनके लिए? इसमें विशेष रूप से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नवरात्रा है या कोई भी व्रत उपवास है, ये सब एक भावनाओं का एक प्रभाव इसमें है, और जैसा मैंने कहा कि अगर विचारों की और मन की शुद्धि नहीं है तो इन सबको करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा है, बच्चे जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, बीमार जो हैं, और जो गर्भिणी महिलाएं हैं, उनके लिए किसी भी तरह का व्रत उपवास करना जो है उचित नहीं माना गया है। और जो उपवास करना ही चाहें तो प्रथम और अंतिम नवरात्रा का उपवास कर सकते हैं। अष्टमी का उपवास विशेष रूप से इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये कुल देवी की जो आराधना का दिन होता है, जिसके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, जिनके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है उनको इस दिन उपवास नहीं करके सप्तमी का कर ले व्रत करना चाहिए, क्योंकि जो भी अष्टमी को आप भगवती को भोग अर्पण करते हैं उसका प्रसाद जो है परिवारजनों को निश्चित रूप से लेना चाहिए। पंडित जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोटा एक शिक्षा नगरी है, तो पंडित जी आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पद से भटकते जा रहे हैं, सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये नवरात्रा किस तरह से खास है, खास किस तरह से है, अपनी मन की शांति के लिए उनको क्या करना चाहिए नवरात्रों में? मैंने जैसा आपसे कहा कि ये जो प्रथम नवरात्रा से ही मूलाधार जो है वो जागृत करने की साधना इसमें प्रारंभ होती है, तो विशेष रूप से जो है जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी अध्ययनरत हैं, उनको जो है योग माया का जो ध्यान करना चाहिए, विशेष रूप से योग के माध्यम से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। इससे उनका चित्त भी शांत रहेगा, लक्ष्य के प्रति उनकी जो है एकाग्रता भी बनी रहेगी, और लक्ष्य को प्राप्त करना उनके लिए भगवती की कृपा से बहुत आसान रहेगा, बहुत जो सहज संभव हो पाएगा। तो पंडित जी, ये नवरात्रा क्या सभी राशियों के लिए शुभ है? वैसे इस बार सुनने में आ रहा है कि 2018 सभी राशियों पे भारी है, तो नवरात्रों में हम अपना शुद्धिकरण कैसे किस तरह से करें? मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है जी कि कोई भी राशि में विपरीत प्रभाव हो, किसी भी ग्रह का आपके जीवन में विपरीत प्रभाव हो जी, आप इन सभी प्रभावों का अगर कोई समाधान है तो वो सिर्फ और सिर्फ इष्ट आराधना है जी। अगर आप इष्ट आराधना करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के विपरीत प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित कर सकेंगे।
तो आप इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि अगर कोई किसी राशि के लिए विपरीत प्रभाव भी है तो उसका समाधान भी इष्ट आराधना ही है। अगर आप इष्ट आराधना करते हैं और उसको भावना के साथ करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी और आपको जो है उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पंडित जी, जैसे अब आज से 9 दिन तक रोज ही घर में पूजा होती है, जिसके घर में दिया नहीं जलता, नवरात्रि में तो सबके घर में ही दिया जलता है, तो क्या पंडित जी जैसे आज जो सुगंध की हमने अगरबत्ती धूमबत्ती लगाई है कि 9 दिन तक वही चलती है, या फिर ऐसा है कि अलग अलग माता की अलग अलग सुगंध, अलग अलग पुष्प कुछ है ऐसा कि वो हम करें तो प्रभावशाली होगी हमारी पूजा? इसमें नवरात्रा के अंदर जो है मातेश्वरी के जो 9 स्वरूप हैं जी, उनके लिए अलग अलग जो है पुष्पों का और अलग अलग जो है सुगंधों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उनके स्वरूप के हिसाब से ही हम उसका अगर प्रयोग करें तो उस आराधना को और प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे मैं अभी हम शैलपुत्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसा उनका स्वरूप है कि वो वृषभारूढ़ हैं, वृष का जो आप देखेंगे जो रंग है वो भी सफ़ेद है, जो वस्त्र आभूषण जो धारण कर रही है भगवती वो भी सफ़ेद हैं। तो मेरा ऐसा मानना है और शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि अगर हम भगवती शैलपुत्री की आराधना सफ़ेद पुष्पों से करते हैं और विशेष रूप से उसमें भी जास्मीन जिसको हम कहते हैं, चमेली जो हम कहते हैं, उससे अगर हम करते हैं तो वो और प्रभावशाली ढंग से कार्य करती है। मतलब इसी अगर दर्शकों आपको जैस्मिन के फूल नहीं मिले तो आप जैस्मिन की अगरबत्ती जला सकते हैं। यही मैं आगे कहने वाला था कि जैस्मिन का ही हमको उसमें जैसे पूजन में जो भगवती की हम पूजन करते हैं तो इसमें हम पहले स्नान कराएंगे, फिर वस्त्र धारण होंगे, उसके बाद पुष्प होगा, उसके बाद इत्र भी होगा। तो इत्र भी अपन यथासंभव अगर आपके लिए संभव हो सकता है तो आप चमेली का जिसको जैस्मिन कहते हैं उसका ही इस्तेमाल करें। जो धूप बत्ती आप लगा रहे हैं वो भी जैस्मिन की ही आप लगाएं। जो नैवेद्य अर्पण करने हैं भगवती माँ शैलपुत्री को उनको भी आप सफ़ेद रंग में, विशेष रूप से खीर है और खीर को गाय के दूध में बनाएं, उसके अंदर अगर आप हलवा बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप विशेष रूप से सूजी का बनाएं ताकि वो उसमें सफ़ेद रंग रहे और गाय के घी से ही निर्मित करें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फ्यूजन में समायोजित करेंगे तो उसके परिणाम और अच्छे अपने को प्राप्त होंगे। सामान्यतया जो मैंने देखा है कि जो आप पूजन आपने देखा है कई लोग करते हैं वो इन सब चीजों का उनको जानकारी नहीं रहती और ध्यान नहीं रहता, वो एक सामान्य तरीके से कि हाँ यही अगरबत्ती का आ गया वही 9 दिन चल रहा है, जो पुष्प है गुलाब के अगर आपने पधरा है तो वही 9 दिन तक चल रहे हैं, इसी जो भोग है वो भी एक उस तरह से लग रहा है। तो अगर इसको अपन थोड़ा विधि विधान से और एक स्वरूप के हिसाब से करें तो उसको और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। विधि विधान से करेंगे तो हमारी मनोकामना माता रानी जल्दी सुनेगी, निश्चित रूप से पूर्ण होगी। वैसे भी जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो जगत की जननी है जी, बिल्कुल। और जब भी बच्चों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हम सब उनके लिए बच्चे हैं, उनकी संतान है, तो अगर बच्चे को कभी भी कोई कष्ट हो तो वो माँ ही है जो अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देती है उसको उस कष्ट से निकालने के लिए। तो अगर हमको किसी भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, किसी भी प्रकार का अगर कष्ट है तो हमको भगवती की शरणागत होना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे कष्ट शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो, और ऐसा मेरा मानना है कि उस प्रार्थना से वो निश्चित रूप से दूर होंगे जी। तो पंडित जी, अभी मेरे मन में एक थोड़ा निजी प्रश्न आया है और शायद मेरे दर्शकों में से काफ़ी दर्शकों का भी होगा। पंडित जी, हम नवरात्रि करते हैं, बहुत श्रद्धा से खाना बनाते हैं अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, कन्याओं को बुलाते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाते हैं, फिर क्या करें? अब माता आ रही हैं, छोटी छोटी कंजकें आ रही हैं और खाना नहीं खा रही हैं, तो फिर हमें लगता है कि शायद हमें फल नहीं मिलेगा, क्या क्या करना चाहिए इसलिए? अब यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब जो ये धार्मिक परंपराओं का विस्तार इतना ज्यादा हो गया है, एक ही दिन बच्चे किस के यहाँ खाएंगे, एक ही दिन बच्चे किस, और दूसरा एक जो हमारी आज भी सामाजिक सोच है एक गर्ल चाइल्ड के प्रति, एक जो कन्या भ्रूण के प्रति की चाहता नहीं, हर आदमी चाहता है कि दूसरे के घर तो जन्म ले पर मेरे यहाँ नहीं हो। आजकल तो पंडित जी देखने में आ रहा है अगर पहला बेटा हो गया है तो फिर आगे प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, बस इसी आकांक्षा में कि कहीं ऐसा नहीं हो, इस आशंका में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लड़की हो जाए। अगर हम पुत्रियों को जन्म ही नहीं लेने देंगे तो उनको भोजन कैसे करवाएंगे, और जब उनकी संख्या कम होगी और उनको भोजन करवाने वाले कई परिवार हैं तो जो सबसे पहले जिमा रहा है वहीं वो भोजन कर पाएगी। तो इसमें मेरा ये एक सुझाव है
कि हम जानते हैं कि बच्चों को और जो है कई चीज़ें दूसरी पसंद हैं, जिसमें चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं और फल हैं, तो हम जब देखते हैं कि भाई जब हम देर से भोजन करवा रहे हैं और हमको ये लगता है कि बच्चे नहीं भोजन कर पा रहे हैं यहाँ, तो एक प्रसाद स्वरूप उनको हम थोड़ा थोड़ा सा एक प्रसाद रख दें और उसके बाद उनको उनकी इच्छा का फल है, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये दें, तो वो बाल स्वभाव जो है उससे एक खुश होकर और उसको ग्रहण करेंगी और मुझे लगता है शायद उसके परिणाम हमें अच्छे मिले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्याओं को हलवा पूड़ी तक ही आप सीमित मत रखें, जो आप जो भी उनको पसंद है वो आप उनको दे सकते हैं। आप जब किसी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं और कन्या को आप एक भगवती के स्वरूप में आमंत्रित कर रहे हैं और उनको पसंद करना चाह रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरे व्यक्तिगत और निजी विचार हो सकते हैं, ये नहीं कहता कि शास्त्र इसको मानता है या कहता है, पर चूंकि पर अब जब उनको भगवती के स्वरूप में एक बुला रहे हैं तो हमें ये यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि वही कार्य करें जिससे वो प्रसन्न हो, जिससे वो आनंदित हो और जो उनके उल्लास को बढ़ाए। तो पंडित जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और इन्होंने बहुत खास बातें हमें बताई हैं जो हमारे दर्शकों के बहुत काम आने वाली है। तो आप इस तरह से शैलपुत्री माता की पूजन करें, शैलपुत्री माता जरूर खुश होंगी और इस नवरात्रे में जो आपके मन में आपकी इच्छा है वो माता रानी जरूर पूरी करेंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ और मैं करती हूँ धन्यवाद, आशुतोष दादी जी ने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हमारे चैनल में आए, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों आपसे जल्दी मिलते हैं, अभी दीजिएगा मुझे विदा। नमस्कार।